उद्देश्य है शिविर लगाने का? 25 दिसंबर पूरे दुनिया में फार्मेसी डे के नाम पर मनाया जाता है। सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ओर से सत्यदेव कॉलेज ऑफ फार्मेसी की स्थापना हुई है। हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर और हमारे शिक्षक स्टाफ विद्यार्थियों ने बहुत जोशपूर्ण तरीके से 3-4 महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसको हम इंटरनेशनल कार्यक्रम कर सकते हैं, कह सकते हैं, उनको आज हम लोग कर रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम हम लोग लिया जो दुनिया में, हमारा एक विश्वास है खून से बड़ी चीज, खून से मांगी कोई चीज नहीं है। और हमारे ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की स्थिति ये हो गई है कि आज 200 हमारे विद्यार्थियों ने ब्लड डोनेशन के कार्यक्रम रजिस्ट्रेशन कराया है। कुछ ऐसे समाजसेवी हैं जैसे श्री वासुदेव पांडे हैं, राजू यादव है, और करीमपुर के गुरु जी हैं जो कष्टहरणी माता के भक्त हैं। फिर 3-4 ऐसे श्री कृष्णा यादव जी पशुधन प्रसार अधिकारी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो मित्र दोस्त हैं वो भी इस कार्यक्रम में आकर के स्वयं सेवक के रूप में खड़े हुए। और आज ब्लड डोनेशन 200 यूनिट का बहुत बड़ा माना जाएगा। एक बार में गाजी जनपद के रक्त के बैंक को भरने के लिए केवल सत्यदेव कॉलेज अपनी ओर से करने जा रहा है। दूसरी बात हम बताना चाहेंगे कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये भी हुआ कि गाजीपुर जनपद के आदरणीय सीएमओ साहब को हम लोगों ने सूचना दिया, वो खुद न आने की स्थिति उनकी थी, बाढ़ में वो समस्या में थे, तो डिप्टी सीएमओ साहब को उन्होंने भेजा। और सिंह जो लाइफ केयर सेंटर बना हुआ है आदरणीय डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी का और अनुपा जी का, स्वयं मैडम डॉक्टर आई और उनकी पूरी टीम आदरणीय चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में यहाँ लगी हुई है, जो आज और कल तक कैंप करके हमारे सारे विद्यार्थियों का जो ब्लड डोनेशन के लिए आगे आए हैं उनका ब्लड लेगी और अपने बैंक में उनको रखेगी उचित दर, जो इंटरनेशनल स्तर पर सबसे कम दर पर पिछली बार हम लोगों की बातें हुई थी कि मिनिमम दर पर हम देंगे। फिर ऐसा भी करेंगे कि कोई इतना गरीब है कि खून का पैसा देने की स्थिति नहीं हो, तो डॉक्टर मैडम ने और डॉक्टर राजेश कुमार सिंह जी ने मुझे आश्वस्त किया है कि आपके इस ब्लड को उस व्यक्ति को जो गरीब है या जरूरतमंद है, उसका प्राण बचाना है, तो हम बिना पैसे का भी देंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि वृक्षारोपण का हम लोग कार्यक्रम कराए हैं, जिसमें सभी डॉक्टर्स संजीवनी हॉस्पिटल के जे एस राय जी थे, गुडविल के आदरणीय डॉक्टर भुवनेश्वर पांडे जी थे, और अमित सर लाइफ लाइन हॉस्पिटल जो आपका है उसमें थे गांधी पार्क वाला। तो ये तमाम डॉक्टर्स का हम लोगों ने एक तरह से सम्मान भी किया कि वो हमारे संस्थान से जुड़े। एक और भाग है हमारे इस कार्यक्रम का, जो एक इंटरनेशनल कार्यक्रम हम चलाने जा रहे हैं, आज से चल रहा है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार एक घोषणा किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के सम्मान के लिए न केवल भारत में बल्कि दुनिया के तमाम देशों में महात्मा गांधी के नाम पर उनकी जयंती मनाई जाएगी। सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने इस प्रण को अपने हाथों हाथ लिया और 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2019 से माँ वैष्णो देवी का दर्शन करके हम लोग एक साइकिल यात्रा निकालने जा रहे हैं जो लगभग 5000 किलोमीटर की है। वो यात्रा जम्मू कश्मीर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उसके बाद फिर कर्नाटक, लास्ट में हम लोग जा रहे हैं तमिलनाडु तक। रामेश्वरम तक यात्रा लगभग 4200 किलोमीटर की सड़क मार्ग से है, लेकिन 800 किलोमीटर की यात्रा हम लोग कुछ दर्शनीय स्थलों पर जाएंगे, कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों पर भी जाना है, कुछ भारत के महानतम 10-15 विश्वविद्यालयों में भी मेरे व्याख्यान होने हैं। तो ये बड़ा कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी की जयंती पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की साइकिल यात्रा का भी हम आज शुरू करने जा रहे हैं। आज यह यात्रा यहीं से सत्यदेव कॉलेज से महिंद्रा के एक रथ से कश्मीर के लिए रवाना होगी, जिसमें कंबल, चादर, कुछ भोजन की सामग्री, कुछ स्वयं सेवक कश्मीर के लिए उस रथ से जाएंगे। वहाँ ये परसों पहुंच जाएंगे, परसों पहुंच के पहले से प्रबंधन रहेगा, कुछ लोग हमारे एबीपीजे के अध्यक्ष हैं जो गाजीपुर के रहने वाले हैं, 4-5 प्रोफेसर हैं विश्वविद्यालय के जिन्होंने मेरा व्याख्यान रखा है 1 तारीख को जम्मू कश्मीर के 2 विश्वविद्यालयों में, एक तो जम्मू विश्वविद्यालय है, दूसरा शेरे पंजाब यूनिवर्सिटी है, दोनों विश्वविद्यालयों में हमारा कार्यक्रम है, पत्रकार वार्ता है। ये सब कार्यक्रम 1 और 2 अक्टूबर को हम लोग आयोजित करेंगे। 2 अक्टूबर को लाल चौक से राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके हम लोग गांधी जी की जयंती पर इस कार्यक्रम को कश्मीर से कन्याकुमारी तक की साइकिल यात्रा का शुभारंभ करेंगे। मूल उद्देश्य यही है कि हम भारतवर्ष में पर्यावरण को बचाएंगे, शहीदों का सम्मान करेंगे, देश में भारत के नौजवानों को इस यात्रा से हम जोड़ना चाहते हैं। अगर भारत 130 करोड़ का देश है तो लगभग 50 करोड़ की आबादी से ये यात्रा जाने जा रही है, और इस यात्रा में कोई भी स्वयंसेवक अपने पार्टी से, आप पत्रकार हैं, हमारे मित्र हैं, आपका भी हम आह्वान करते हैं कि इस यात्रा में 1 रुपया आप जरूर हमारे यात्रियों को देंगे, उसकी रसीद मिलेगी। ज्यादा पैसा हमको किसी से नहीं लेना है, 1 रुपया हर आदमी से लेकर यात्रा चलेगी, कम पड़ेगा सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेज की संस्थाएं देंगी, ट्रस्ट
देगा, कुछ ऐसे भी नौजवान हैं स्वयं सेवक हैं जो दे सकते हैं, उनसे लेकर के इस यात्रा को हम पूरा करेंगे। जो गांधी के जीवन का एक मकसद था सादगी का, जो गांधी के जीवन का मकसद था अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, अहिंसा का, सत्याग्रह का, इन सारे व्रतों को लेकर की यात्रा पूरे इस देश में निकाली जा रही है। अगले अभियानों के बारे में जब यात्रा हम लोगों की 30 जनवरी को बापू के शहादत के दिन जब हम रामेश्वरम में दर्शन करके अपनी यात्रा को संपन्न करेंगे, तो एक बड़ी विचार गोष्ठी वहां हम लोग करेंगे और उस यात्रा का लेखा जोखा भारत के माननीय प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और 12 प्रांतों में जिनमें यात्रा जा रही है उनके गवर्नर्स महोदय को, उनके चीफ मिनिस्टर को यात्रा का पूरा प्रारूप और उसका मकसद, उसके उद्देश्य, उसकी पूर्ति की एक रूपरेखा भी हम लोग देंगे। यही मूल बातें हम चाहते हैं कि हमारे प्रेस के साथी इसको डिटेल रूप से स्थान दिलवाएं। 4 महीने तक का न्यूज 2 अक्टूबर से 30 जनवरी तक गाजीपुर के आप प्रबुद्ध साथी हैं, आपकी जिम्मेदारी हमारे लिए यही है, हमारे ऊपर आपका कर्ज भी यही है कि जिन दिन अखबारों से, जिन दिन सोशल मीडिया के चलाने वाले आप होते हैं, सब लोग इस यात्रा में जुड़ करके गाजीपुर के नौजवानों का, सत्यदेव ग्रुप का आप मनोबल बढ़ाएं ताकि हम इस यात्रा को उसके परिणाम तक पहुँचा सकें।